गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुराधा। उम्मीद करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग घर पर हैं तो चलो मैं आपको लाइनर लगाना सिखाती हूं। साइड बाय साइड मैं आपको बताती हूं किस तरह के लाइनर आप खरीदते हैं और किस तरह के लाइनर खरीदने आपको अच्छे से एप्लीकेशन कर सकते हैं कौन से वो आईलाइनर। इट इज सो सिंपल, सो सिंपल। तो चलो देखते हैं एप्लीकेशन कैसे लगाया है मैंने। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। That's simple. So whenever you buy eyeliner, buy a liquid eyeliner, क्योंकि इस तरह के जो उसकी टिप होती है ना, तो आपको टिप देखनी है। मैं आपको टिप दिखाती हूँ। तो बहुत ही ईजी है एप्लीकेशन और बहुत ही स्मूथ स्ट्रोक चलता है। और देखिए कितना ईजीली इट इज सो सिंपल एंड सो ईजी ड्रॉ अ सिंपल लाइनर। आप देख पा रहे हो कि इस तरह की विंग बनाने के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आप इसको कर्व नहीं कर सकते हैं या कैसे भी। इट इज सो सिंपल। खाना सिंपल तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, जब भी आप अगर आईलाइनर ड्रॉ कर रहे हैं या आईलाइनर बाय कर रहे हैं, तो आईलाइनर जो भी बाय करें आप बाय करें कि उसकी जो ये टेल है, जो मतलब इसका ब्रश है, टेल बोले या ब्रश बोले, ये स्मूथ चलना चाहिए। इसमें बहुत ही देखिए बहुत स्मूथ चलता है, तो आपका आईलाइनर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा। आप बहुत ही ईजिली इस आईलाइनर को अप्लाई कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल, क्विक एंड ईजी। तो बताइए अगर आपको पसंद आया तो। इसमें लगाने जा रही हूँ सेकेंड टाइप ऑफ आईलाइनर। ये भी बहुत ईजी है, लेकिन मैंने जैसा बताया था कि आईलाइनर आप कैसा खरीदना है, तो ध्यान रहे कि जब भी आप परचेज करें तो आईलाइनर का ब्रश बहुत अच्छे से आप उसको चेक कर लीजिए। तो थोड़ा सा अमाउंट में, थोड़ा सा अमाउंट इसका एक्सेस जो अमाउंट आ जाता है उसको बिल्कुल हटाना है आपको। स्मूथ तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड। मैं किस तरह का आईलाइनर लगाने वाली हूँ तो आपको मैं क्लोजर लुक दे रही हूँ। आप चाहे लैट से स्टार्ट करें हो या लाइक दिस, नहीं ये स्टार्ट करना है मैंने आपको यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए इस वाली लाइन पे। आपको अब देख पा रहे हो कितना स्मूथ स्ट्रोक चल रहा है। स्मूथ का मतलब है ये देखिए बहुत ही सुंदर आईलाइनर लगता है, बहुत ही एलिगेंट विंग है ये। एंड आप देख पा रहे हो ब्रश, जैसे मैंने इस लाइन पे बताया, इस वाली आई पे बताया, सेम लाइक दिस ऐसे आपको इतना करना है। एंड फ्रॉम हियर लाइक दिस, ओके देखिए ये इस तरह से है। तो इसको थोड़ा सा ओके ये देखिए कितना आपको मोटा पतला वाइड थिन जैसा भी लगाना है, इट इज सो सिंपल।
अब इसको अब चाहे तो इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो ये इजीली, ये देखिए तो सेम ही है। अगर आपको थोड़ा सा इसको वाइड करना है तो आप इसको यहाँ से फ्रॉम द स्टार्टिंग तो खाना बिल्कुल सिंपल। एंड दिस इज हाउ आई एम लुकिंग आफ्टर दिस लाइनर। तो एक सिर्फ एक लाइनर ही बहुत आई की ब्यूटी को बढ़ा देता है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे तो पर्सनली बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको पसंद आया तो बताइए और ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको क्लोज़र लुक दे देती हूँ लाइनर का। बहुत ही अच्छा लाइनर है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लाइनर बहुत ही प्यार आपको मैं क्लोज़र लुक दे दूँ। ऊपर है तो जैसे इसका बॉटल अच्छा है वैसे ये लाइनर भी बहुत अच्छा है। एंड देखिए ये वाटर प्रूफ लाइनर है। एंड इट्स हाउ आई एम लुकिंग एंड सो सिंपल।